गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है, बोलते हैं ध्यान दीजिए। नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, यदि 6.8.5 एक्स, यदि 6.8.5 x.4.7 और 8.7 है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है जी? x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, मान लेता तो क्या होता है जी, दी गई आंकड़ा बराबर, दी गई आंकड़ा बराबर क्या कह दी गई है जी, 6.8.5 x.4.7। ये आंकड़ा दी गई है। ठीक है, और इसका माध्य भी दिया गया है 7। यहां लिखेंगे माध्य बराबर क्या होता है जी, माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, बटा संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, क्या होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर माध्य तो दिया है, ठीक है, लिखा है का माध्य कितना है, 7। ठीक है, इसमें बोले पर माध्य दिया हुआ है, लिखेंगे 7 बराबर 7 क्या है, माध्य है, माध्य का दिया हुआ है और एक समान पूछा है, ठीक है, समान करना है। देखेंगे सभी संख्याओं का योग क्या क्या संख्याएं दी गई है, 6+8+5+x+4+7+8। ठीक है, क्या है ये आपको सभी संख्याओं का योग है, क्लियर है। लिखा गया संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये संख्या है जी, 7 संख्या। 7 से क्या करेंगे, 7 से हम भाग देंगे, क्लियर है, 7 से भाग देंगे, क्या 7 से भाग देंगे, क्योंकि संख्या की संख्या 7 है, कुल 7 संख्याएं हैं। अब इसको पहले जोड़ेंगे, इसको लिखेंगे पहले 7 बराबर कितना बजी, 6+8+14+5+19+19+23+23+7+30 यानी क्या बजी, x+38 बटा कितना है जी, 7। क्या बजे x+38 ध्यान ध्यान दीजिए, 7 के भाग में है, इस गुणा में आएगा इधर, और यहाँ देखेंगे इधर 7 गुणे 7 बराबर भाग में, ठीक है, इस गुणा में आ गया 7 में, 7 क्या आ जाएगा, x+38 क्लियर है, क्या ध्यान दे रहे हैं, कितना हुआ 7 49 होगा, 49 बराबर कितना है जी, x+38 x+38। अब ये क्या आंसर का प्लस में है, ठीक है, इसको लाएंगे क्या करके बराबर के बाएं तरफ, तो माइनस में होगा, क्या लिखेंगे 49 - 38 बराबर क्या बताएगा जी, x कितना घट गया, तो गुणा में से आप दिया 1, चार नस्तीन दिया 3, कितना आ गया जी, 11 बराबर x। ठीक है, देख सकते हैं, इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर कितना जी, x बराबर 11 आपका आंसर होगा।
कितना वैक्स का मान आपका 11, ठीक है, इसका मान अपन कर दिया इसका मान 11, क्लियर है। अब समझ चुके अच्छी तरह से, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, ये क्वेश्चन हम इधर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि 10 संख्याओं का माध्य, यदि 10 संख्याओं का माध्य, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है, तो यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से है तो प्रत्येक संख्या से दो घटाने पर नया माध्य क्या होगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन में छिपा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में जो कहेगा, ठीक है, या घटाने को कहेगा या जोड़ने को कहेगा या गुणा करने को कहेगा या भाग करने को कहेगा, ठीक है, जो कुछ भी हम करने का क्वेश्चन में तो हम माध्य संख्या में करेंगे, ठीक है, यानी जिसको कितना का माध्य दिया है उसी में हम इसका क्रिया करेंगे, या जोड़ने को कहेगा तो जोड़ेंगे, घटाने को कहेगा तो घटाएंगे, गुणा करने को कहेगा तो गुणा करेंगे, और भाग देने को कहेगा तो भाग देंगे, ठीक है। जो भी क्रिया करना है वो माध्य में हम करेंगे। तो लिखा है कि प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर, क्या कर रहा है, 2 घटाने पर, सर समाध्य है 20, 20 संख्या 2 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा 18, लिखेंगे क्या पूछा है, तो नया माध्य क्या होगा, क्योंकि नया माध्य बराबर प्रारंभिक माध्य, माइनस घटाई गई संख्या, तो कितना इसका मान दिया, प्रारंभिक माध्य कर दिया है 20, और जो बोला घटाने के लिए कितना आ जाएगा जी 18, आपका सही आंसर होगा, ठीक है। इससे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में माध्य दिया है, ठीक है, और ये दिया है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, घटाने को कह रहा है, जोड़ने को कह रहा है, कितना करने को कह रहा है, कि भाग करने को कह रहा है, ठीक है। जो क्रिया करने को कहेगा वही क्रिया हम माध्य में करेंगे, और जो क्रिया के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका सटीक आंसर होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।